हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपको क्लास सेकंड की मैथ्स चैप्टर नंबर 3 करवाएंगे। उसकी एक्सरसाइज 3.3 करवाएंगे। फोकस दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सी द गिवन एग्जांपल्स एंड राइट द गिवन नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेस। स्टूडेंट्स, इनमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। ओके, देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, नंबर में देखिए 568। ओके, अब देखिए 1 times 100 तो किस कौन सी फॉर्म में आया। देखिए पहले हम वंस में क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, टेंस में रखेंगे 6, 100 में रखेंगे 5। ओके, अब भी देखिए दिया हुआ है 155। तो देखिए वंस की प्लेस में क्या रखेंगे, पहले हम 5 क्या रखेंगे, 5। टेंस की प्लेस में क्या रखेंगे, 5। और 100 की प्लेस में क्या रखेंगे, 1। ओके, क्या हो गया 155। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दीजिए। सी पार्ट देखिए 245। तो देखिए वंस की प्लेस पर क्या रखेंगे हम, 5। ओके, और टेंस की प्लेस पर 4, और 100 की प्लेस पर 2। हो गया 245। ओके, आगे ध्यान दीजिए। पार्ट्स डी देखिए 789। तो देखिए 9 रखेंगे हम वंस की प्लेस पर। ओके, 8 रखेंगे हम टेंस की प्लेस पर। ओके, और 7 रखेंगे हम 100 की प्लेस पर। समझ में आया, तो 789। ओके, अब देखिए ई पार्ट दिया हुआ है 6074। वंस टेंस 100,000। तो देखिए 4 रखा गया किस पर, वंस की प्लेस पर, और 7 रखा गया है टेंस की प्लेस पर। ओके, और 0 रखा गया 100 की प्लेस पर, और 6 रखा गया 1000 की प्लेस पर। ओके, तो क्या पढ़ेंगे हम, 76074। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डेट्स अंडरलाइन। बच्चों अंडरलाइन दी हुई है, उसमें आपको फेस वैल्यू बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। देखिए पहले देखिए ए पार्ट देखिए, नंबर में देखिए दिया हुआ है 429। तो देखिए 2 पर अंडरलाइन है, तो जिस पर अंडरलाइन है वो कौन सी है, फेस वैल्यू 2। ओके, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 times, तो क्या होगी 20। क्या होगी 20। अब बी पार्ट देखिए, नंबर दिया हुआ 4856। तो देखिए इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, अंडरलाइन वाली फेस वैल्यू है। अंडरलाइन वाली क्या है, फेस वैल्यू। तो 4 क्या होगी, फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 times 100,000 कितनी होगी, 4000। ओके, आगे ध्यान दीजिए। सी पार्ट देखिए इसका, अब देखिए इसमें फेस वैल्यू कौन सी है, 5, जिस पर अंडरलाइन हो रही है। ओके, अब स्टूडेंट्स जो अंडरलाइन के बाद वाले डेट्स होते हैं वहां से हम प्लेस वैल्यू बनाते। देखिए 1 times 100, तो क्या होगी 500। क्या होगी 5 के बाद कितने डेट हैं स्टूडेंट्स, 2 डेट है, कितने, 2 डेट। ओके, आगे ध्यान दीजिए। डी पार्ट देखिए 807। तो देखिए 0 यहाँ क्या है, फेस वैल्यू, जी क्या 0 क्या है, और इसकी वो क्या होगी, प्लेस वैल्यू 7। क्या होगी, ओनली 7। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दीजिए। ई पार्ट देखिए 615। तो देखिए 5 पर अंडरलाइन हो रही है, तो 5 क्या होगी यहाँ, प्लेस वैल्यू। ओके, अब बताइए बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होगी। बच्चों प्लेस वैल्यू देखिए 5 से कोई डेट नहीं है, तो ओनली क्या होगी, 5 होगी। क्या होगी, 5। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5। ओके, आगे ध्यान दीजिए। एफ पार्ट देखिए 978। तो अंडरलाइन किस पर हो रही है, 7 बोरी, 7 क्या होगी, फेस वैल्यू। क्या होगी, फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1 times कितनी होगी, 70। कितनी होगी, 70। वेरी गुड। ओके, आगे ध्यान दीजिए। जी पार्ट देखिए 4219। तो फेस वैल्यू क्या होगी, 4। क्या होगी, 4। और प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4000। 4000। तो देखिए 1 times 100,000। ओके, ये मैंने कहा दिया आपको एक्सरसाइज 3.3, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, टेक केयर।